आइए थोड़ी देर के लिए हम मध्य में हो जाएं, हम मिडल पॉइंट पर हो जाएं, हम अपनी थर्ड आई में समाहित होते जाएं, बाहर से भीतर की ओर अंतस यात्रा पर अंतर्मुखी होती चली जाएं। बहिर्मुखता बहुत पिरोली हमने, थोड़ी अंतर्मुखता का टच देना, थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, थोड़ा बैलेंस में, थोड़ा संतुलन में उतरना। तो हम अपनी थर्ड आई में, शिव नेत्र में, देखने की क्षमता में उतरना, लगातार जागे जागे रहना। तनिक मात्र जोर नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं डालना, दबाव ना पड़े, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। आप देख ही रहे हो, देखने की कोशिश मत करना, तनिक मात्र इमेजिन नहीं करना, वही देखना जो हो रहा है तेरे समक्ष, तेरे सामने, तेरे भीतर जो स्वतः घटित हो रहा है उसी को देखते चले जाना। देखना हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहना एकमात्र स्वधर्म है। अपने स्वभाव में रहना, बाहर बाहर की आंखों से देखना, भीतर भीतर की आंख से देखना। बाहर बहुत देखा, अपने को नहीं देखा, भीतर की आंख वैसे ही पड़ी रह गई, कभी उसका उपयोग नहीं किया, उसकी उपयोगिता का महत्व तो नहीं समझा। आज देख लेना, अपने को देख लेना, अपने आप से देख लेना, अपने को देख लेना, अपने भीतर जो भी घटित हो रहा है उसको जाके जाके देखते रहना। देखना टेक्निक नहीं है, देखना मेथड नहीं है, देखना हम सबका स्वभाव है। भीतर बाहर दोनों ओर देखने की आंख हमारे पास है, बाहर की आंखें भीतर नहीं देख सकती, परंतु भीतर की आंख बाहर भीतर दोनों ओर देख सकती है। क्या गजब है थर्ड आई, शिव नेत्र, अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, अनमोल संपदा तेरे पास, जो देवी देवताओं को नसीब नहीं वो तेरे पास। अफसोस की तुझे पता नहीं, मालूम नहीं, अपनी आंख खोल लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। भीतर की आंख जगमगा उठी, जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना। वही देखना जो तेरे सामने स्वतः घटित हो रहा है, अपनी ओर से कुछ कल्पना मत करना। कोई भी काल्पनिक स्टेट, कोई भी काल्पनिक स्थिति तुझे सुख नहीं दे पाएगी। माइंड को डायरेक्ट वॉच करना, डायरेक्टली डील करना, डायरेक्टली वॉच करना।
बार बार वापस लौटना, पुनः पुनः वापस लौटना, लगातार अपनी ओर जागे जागे अपने से मुलाकात कर लेना अंधेरों में, अपना प्रकाश पुंज जगमगा लेना। अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना, अपनी थर्ड आई में पुनः पुनः लौटना, अपना देखना पुनः पुनः दिव्यमान करना, अपना देखना पुनः पुनः बहाल करना। देखना बार बार टूटता है, चेतना बार बार खंडित होती है, ये सुरती बार बार खंडित होती है, तुम बार बार निर्मित करना, बार बार जगमगाना, अखंड होते जाना अपनी ओर, मन माया के विस्तार को जागे जागे देखना। यू आर नॉट ए माइंड, रिमेंबर इट, कीप इट रिमेंबर्ड, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपलेसी अगर निगाह में इश्क़े सनम नहीं होता, कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता। अगर निगाह में इश्के सनम नहीं होता, तो कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता। कसम खुदा की, कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता। कसम खुदा की अगर निगाह में इश्क़े सनम नहीं होता, अगर निगाह में इश्क़े सनम नहीं होता, कसम खुदा की, कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता। कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता, कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता। कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता। तेरी नजरों में प्रेम प्यास दर्द दीवानगी मोहब्बत नहीं अपने मालिक के लिए,
अपने आप के लिए, अपनी स्वयं शुद्धि के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, तो हम खुदा की कसम खा के कहते हैं कि खुद का कर्म नहीं कर सकता तू। खुद का कर्म एक्शन तेरे द्वार पर नहीं दिखाई देगा, रिएक्शन ही रिएक्शन दिखाई देंगे। हम सब रिएक्ट करते हैं, एक्ट तो करते ही नहीं, सारा दिन रिएक्शन में है, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में, सारा दिन माइंड के साथ, माइंड की गलियों में, माइंड के स्वभाव में रचे पचे रहता है। कहीं कछु किसी प्रकार से भी वो कर्म नहीं होता जो खुदा को मंजूर हो, जो प्रभु को अच्छा लगे, जो प्रीतम को बांधता चला आए, जो अपने मालिक को अपनी निगाहों में बिठा ले, वो कर्म तुझसे नहीं होता, सब विकर्म होता है। हर काम कामनाओं की एकमात्र गुंछी लेकर के उतरता है, काम होता है, कर्म नहीं होता। हम कभी भी एक्ट में नहीं, सदा रिएक्ट में है, रिएक्शन है, रिएक्ट ही रिएक्ट करते रहते हैं। कभी कभी कोई ऐसा पल, ऐसा क्षण आता है कि हम एक्ट करते हो, जागे जागे। खुदा की कसम, खुद का कर्म नहीं होता, खुद का कर्म जो खुद को जगाए, खुद को खुद से मिलाए, खुद से मुलाकात करे, खुद में उतार दवाए, वो कर्म नहीं होता। जब तक निगाहों में अपने सनम के प्रति इश्क नहीं होता, इश्क ईश्वर से हुआ करता है, आशिकी अपने अस्तित्व से हुआ करती है, वो अलग बात है कि ये बहुत गजब के रूहानियत के हीरे जवाहरात, ये अद्भुत अनमोल शब्द हम संसारी भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो अलग बात है कि माइंड के तल पे इस्तेमाल हो रहा है। मास्टर तो है ही नहीं, इसलिए माइंड के ही हाथ लग जाते हैं और कलुषित हो जाते हैं। अगर निगाह में इश्क़ सनम नहीं होता, अगर निगाह में इश्क़ सनम नहीं होता, अगर निगाह में इश्क़ सनम नहीं होता, अगर निगाह में इश्क़ सनम नहीं होता। दो जहान जहन्नुम से कम नहीं होता, ये दो जहान जहन्नुम से कम नहीं होता, घर मेरे रूबरू, घर मेरे सामने, घर मेरे रूबरू, मेरा सनम नहीं होता, 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 घर मेरे रूबरू। Meditation will provide you total awareness. Jannat hi jannat jahan jagmagati hai, swarg hi swarg nahi, vaikunth utarta hai, bhitar bahar vaikunth ka vas hota hai, jab tu uske sanmukh hota hai, wo tere samne utarta hai,
भीतर बाहर तेरे साथ साथ तुझको अनुभव होता है। ये दो जहान जहन्नुम से कम नहीं होता, ये दो जहान जहन्नुम से कम नहीं होता, ये दो जहान जहन्नुम से कम नहीं होता, जो मेरे रूबरू मेरा सनम नहीं होता, जो मेरे रूबरू मेरा सनम नहीं होता, जो मेरे रूबरू मेरी थड़ाई में जगमगा जाए, बाहर भीतर स्वर्ग ही स्वर्ग उतर आता है। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, जैसे तेरा देखना होगा वैसे ही नजारा होगा। ये दिल वो दिल है जिसमें तलाश है तेरी, ये दिल वो दिल है मालिक जिसमें तलाश है तेरी, ये दिल वो दिल है, ये दिल वो दिल है जिसमें तलाश है तेरी, ये दिल वो दिल है जिसमें तलाश है तेरी, ये सर वो सर है, ये सर वो सर है जो कहीं भी खम नहीं होता, ये सर वो तेरे बिना कहीं झुकता नहीं, तेरे दर के बिना किसी दर पे। ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मेरे प्रीतम, ओ माय मास्टर, ये सर वो सर है, ये सर वो सर है जो कहीं भी खम नहीं होता, ये सर वो सर है जो कहीं भी खम नहीं होता, ये सर वो सर है, ये दिल वो दिल है जिसमें तलाश है तेरी, ये दिल वो दिल है जिसमें तलाश है तेरी, ये दिल वो दिल है जिसमें तलाश है तेरी, ये दिल वो दिल इसमें तलाश है तेरी, ये सर वो सर है, ये सर वो सर है जो कहीं भी खम नहीं होता, ये सर वो सर है जो कहीं भी खम नहीं होता, ये सर वो सर है। सजदे में सर झुका दिया उठना हराम है। एक बार गुरु वशिष्ठ का द्वार मिल गया प्रिंस राम को, राजकुमार राम को, 14 कला संपूर्ण राम को। हम और आप किस बाग की मूली हैं उसके सामने, प्रिंस राम को एक बार गुरु का द्वार मिल गया, मुर्शिद का द्वार मिल गया,
अपने प्रीतम का द्वार मिल गया, गुरु वशिष्ठ का द्वार मिल गया, मिल गया। तो 20 वर्ष लगातार पीछे मुड़ करके नहीं देखा, 20 वर्ष लगातार सेवा साधना की मूर्ति बनकर के वो मिटे, वो मिटे, वो मिटे गुरु के द्वार। 14 कलाओं के मालिक कहलाने वाला मिट गए गुरु वशिष्ठ के द्वार। और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक ज्ञान विज्ञान आत्म ज्ञान आत्म अनुभव चारों पाए नसीब नहीं हो गए। गुरु शिष्य के पावन पवित्र नाते में, जो केवल भारत में मिलता है, गुरु शिष्य के पावन पवित्र नाते में कहीं स्क्रैचिंग नहीं है, अरे कहीं एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। अगर है तो वह गुरु शिष्य का नाता नहीं है, वो तो स्टूडेंट और टीचर का भी नाता नहीं है, गुरु शिष्य का तो क्या होगा, मुर्शिद और शिगिर्द का नाता, एकमात्र डिवाइन रिश्ता, डिवाइन रिलेशन, एकमात्र आकाश होता है, प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंजता है वहां, वहां एकमात्र आत्मिक प्रेम है, आत्मिक संबंध है, आत्मिक उत्थान, आत्मिक प्रगति का एकमात्र जीता जागता नगमा है, अनमोल है, अद्वितीय है, सौंदर्य पूर्ण है एक दूसरे के प्रति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। किसी तत्वज्ञ पुरुष के पास जा अर्जुन, डीप डिप्रेशन तेरा, तेरा ये गहरा डिप्रेशन विदा हो जाएगा। किसी जागे पुरुष के पास जा। आज भी जापान में जापानीज डॉक्टर्स फिजिशियंस तमाम फिजिशियंस दवा तो देते हैं, साथ में इशारा कर देते हैं बुद्ध मठ की ओर, अगर तुझे परमानेंट रिलीफ चाहिए, परमानेंट की ओर चाहिए, माइंड से आजाद होकर के रहने की कीमिया चाहिए, अगर इस डीप डिप्रेशन से उठना है, अगर स्वस्थ सुखद सदा के लिए रहना है, टेम्परेरी क्योर टेम्परेरी रिलीफ हम दे सकता है। हम स्वयं भी मरीज हैं डिप्रेशन के, हम तेरा इलाज क्या करेंगे, क्या गजब, ऑनेस्टली वेरी सिंसियरली डॉक्टर कहते हैं जापान में। उस ओर चला जा जहां मेडिटेशन का आलम उतरता है, उस ओर चला जा जहां मेडिटेशन का दीप जलता है, उस ओर चला जा जहां तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, प्रश्न करने से पहले डूब जाना उस द्वार पर, सेवा साधना की मूर्ति बन जाना। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को इशारा कर रहा है, डीप डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को साहस और हिम्मत, विल पावर, स्ट्रांग विल पावर उपलब्ध करने के लिए, पुनः नॉर्मल नॉर्मेलिटी में आने के लिए इशारा जागे पुरुष के प्रति है, किंतु उस हालात में कहां जाए। आप ही मेरे मास्टर, आप ही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, आप ही मेरे लवली मास्टर, मैं आपका शिष्य, मेरा कल्याण कर दीजिएगा। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ये एकमात्र स्पिरिचुअल रिलेशन, स्पिरिचुअल लव, ट्रू लव बिटवीन द टू एक दिन एक कर देता है, एकत्व की स्थिति में उतार देता है, सदा के लिए आबाद कर देता है। गुरु शिष्य का पावन पवित्र रिश्ता नाता बहुत अनमोल अद्वितीय सौंदर्य पूर्ण एकमात्र भारत में मिलता है। गुरु जो अंधेरों से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु जो अंधेरों से प्रकाश की ओर ले जाए, जो माइंड से मास्टर की ओर ले जाए, जो तमाम मनोरोगों से मानसिकता की स्वस्थ पूर्ण स्थिति में ले जाए, मालिक बना दे भीतर का, वो रसायन प्रदान करें जो भीतर के अंधेरे दूर करता है, वो केमिकल दवाई जहां सारे इंबैलेंस में पड़े हुए केमिकल
बैलेंस में उतर आए, वो है गुरु जो तुझे सुख पूर्ण स्वस्थ पूर्ण बनाए। स्वयं राम ने जाना गुरु के द्वार की महिमा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इन्हीं की कृपा तनुज रन मारे। स्वयं भगवान कृष्ण ने तद्विधि प्रणिपाते इशारा किया है, स्वयं 16 कला संपूर्ण खड़ा हो जहां, वो इशारा किस और कर रहा है, तत्वज्ञ पुरुष के प्रति कर रहा है। अरे भगवान भक्त के इशारे में हंकार अभिमान अस्मिता पिरोने वालों, खबरदार रहना, स्वयं भगवान कहते हैं गुरु कृपा के बिना तो मेरे अंतर्गत नहीं हो सकता, तो एकत्व की स्थिति में नहीं आ सकता। वही तेरी प्यास को तृप्त करेगा, वही तेरी प्यास को डील करेगा। ये प्यास जो मेरे द्वार पर कभी उतरती है प्रेम पूरन, कभी प्रेम जगता है मेरे प्रति, तो वो प्रेम संसार की प्राप्ति के लिए ना हो, उसके बदले में पदार्थ पैसा मत मांगना, प्रतिष्ठा मत मांगना, चीप पॉपुलरिटी मत मांगना, वो प्रेम प्यास मालिक के द्वार पर गंगा यमुना की तरह बह उठेगा, तो फिर वो इशारा करेगा। अगर निगाह में इश्के सनम नहीं होता, अगर निगाह में इश्के सनम नहीं होता, कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता, कसम खुदा की खुद का करम नहीं होता, कसम खुदा की